विराट का जो 4900 है सचिन तेंदुलकर के ओडीआई 100 के रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी की है, हर तरफ टॉक ऑफ द टाउन का टॉक ऑफ द नेशन था ये, कहीं ना कहीं इंडियन टीम को भी इसके बारे में पता होगा, तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? कुछ है स्पेशल अरेंजमेंट, कुछ प्लान करेंगे अभी? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, बट जो भी मतलब 49-50 जो भी है ये घी थाली में गिर रहा है तो अच्छा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो चलते रहने दो। और क्या है उसमें, और खुशी की बात है कि इम्पोर्टेंट गेम्स में और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो जितना भी रिकॉर्ड टूटे, रन्स बने, विकेट ले, सब हमारे लिए अच्छा ही है, तो बस चलने दो, नज़र मत लगाना किसी की। रविंद्र एक मिनट के लिए मैं आपको बोलूं कि आप कैप्टन के जैसे सोचें और आपके पास आपके जैसा खिलाड़ी हो जो 10 ओवर कर रहा है हर मैच में, 50 से अंदर रन दे रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, फील्डिंग, तो आप कितने खुश होंगे? देखो मैं तो खुश तो बहुत ही हूँ, और आपने कैप्टन की बात कही तो मैं तो पहले मैच से ही कैप्टन की तरह ही सोचता हूँ, बट बना नहीं हूँ वो अलग बात है। बट ऐसे ऑलराउंडर का रोल यही होता है कि अगर कोई ऐसी टफ सिचुएशन में थोड़े 30-35-40 रन बनाने पड़ते और जब पार्टनरशिप लगी हो तब एक आधा विकेट आउट करके पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, तो वही उनका रोल होता है। और कोशिश में यही करता हूँ कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रहे मेरा बैटिंग में या बॉलिंग में, जब टीम को ज़रूरत हो कोई भी डिपार्टमेंट में। और फील्डिंग तो मैं कभी भी ग्रांटेड नहीं लेता हूँ, मुझे भी लगता है कि मेरे से भी कैच छूट सकती है, तो मैं और तैयार रहता हूँ कि मेरे पास अगर कैच आ गई तो रिलैक्स नहीं रहता हूँ फील्डिंग पे, तो बस कोशिश करता रहता हूँ, बाकी कभी कभार होती है कभी कभार नहीं होती है, बट कोशिश लगी रहती है। रविंद्र जब टॉस जीते तो काफ़ी आसान रहा होगा कि पहले बैटिंग करनी है उनका जो रिकॉर्ड था वो देख के, और दूसरा ये कि कुछ आइडिया था कि विकेट थोड़ी स्लो हो जाएगी स्पिनर्स के लिए? नहीं, टॉस जीतने के बाद हम अपने आप को चैलेंज करने का देख रहे थे, क्योंकि अगर हम दोपहर में बॉल डालते तो शायद अलग और इतने रन ना बनते, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत ही रुक रहा था और बाउंस भी नहीं था और टर्न ज़्यादा हो रहा था, लगातार टर्न हो ही रहा था, तो एक चैलेंज अपने आप को करने वाली बात थी कि हम पहला बैटिंग लेके सेकंड अगर ड्यू भी आ जाता है तो ड्यू के साथ हम कैसे बॉल डाल सकते हैं, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमको वो सिचुएशन में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है वो पता होना चाहिए, तो बस वही एक रीज़न था। जड़ू आपने तो विराट के 4900 में से मैक्सिमम उसके साथ क्या कुछ खेले भी हैं, साइडलाइन से देखे भी है, तो इस पिच को देखते हुए इस 100 को आप कैसे असेस करते हो, कहाँ पे रखते हो एज अ प्लेयर इस क्वालिटी के 100? देखिए बहुत मैं कहूँगा कि ये उसके लिए भी स्पेशल होगा और टफ होगा, क्योंकि जैसे विकेट दोपहर में था, एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 260-270 भी ठीक है ये विकेट पे, और वो टाइम पे स्ट्राइक रोटेट करना, बाउंड्रीज लेना, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो स्पेशल मैं कहूँगा कि जब टीम एक टाइम पे रन नहीं आ रहे थे, उनके दोनों स्पिनर ठीक बॉलिंग डाल रहे थे और उसके सामने स्ट्राइक रोटेट करके, बाउंड्रीज करके और नॉट आउट और 300 के ऊपर स्कोर पहुंचाना, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक बहुत बड़ा एफर्ट लगता है उसके लिए। सो फार तो आप लोग अनबीटन रहे हैं टूर्नामेंट में, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने के पहले आप लोग कौन सी टीम से ज़्यादा कंपटीशन या टफ मान रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग और प्रिपरेशन, आप और टीम वाइज किसको आप सोच रहे थे सबसे ज़्यादा चैलेंज इस टीम या इन टीमों से मिलेगा? देखिए वाइट बॉल में कभी कभी क्या होता है ना कि ड्यू का फैक्टर आने से जो सिचुएशन होती है वो पूरी डिफरेंट हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि दोपहर में अगर हम बॉलिंग डालते और रात को ड्यू आ जाता तो शायद बॉल स्पिन ना भी होता, जो दोपहर में इतना बॉल घूम रहा था, तो कभी कभी वाइड बॉल में ड्यू का बहुत मेन कारण रहता है कि उसकी वजह से कोई भी नॉर्मल टीम भी बड़ी लगती है, और ड्यू नहीं आने से और अपनी फेवर में सब चलने से कोई भी बड़ी टीम लगती भी नहीं है कि इसको तो ऐसे ही हरा देंगे, तो वो सब चीज़ बहुत फैक्टर करता है, और कौन से सिचुएशन में आप क्या आपका गेम प्लान अब बनाते हो वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। और उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, बिना आपका नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि भाई आपका नाम लिया उन्होंने कहा कि जडेजा अंडर द रडार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अंडर अप्रिशिएटेड रहे हैं,
वो बात सुनी थी क्या कि भाई चलो अब लोग शायद बातें नहीं करें, आज दिखाते हैं बॉल और बैट से? नहीं नहीं ऐसा मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, बट अच्छा लास्ट 3-4 मैच से रिदम बैटिंग में भी बॉलिंग में भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टीम के लिए, तो एक खुशी होती है कि इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में इम्पोर्टेंट मैचेस में अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ बैट और बॉल के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस मेरा, और जैसे इम्पोर्टेंट गेम्स अभी आएंगे तो और ज़्यादा मैं इंडिविजुअल अपने आप का परफॉर्मेंस को लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। हेलो जडेजा, दिस इज कौशिक फ्रॉम टाइम्स बांग्ला। तो क्या इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के बाद अनबीटन कोई चैंपियन रहेगा तो वो इंडिया रहेगा इस साल वर्ल्ड कप में? देखिए हम मैच बाय मैच सोचते, इतना ज़्यादा सोचते नहीं कि क्या होगा, बट अभी आने वाला स्टेज जो होगा नॉकआउट स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो जैसे ही टीम का मोमेंटम है, जैसे ही बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में हम एज ए टीम क्लिक कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि यही आने वाले सेमीफाइनल में और फाइनल में ऐसा बना रहे बस। जिद्दू थोड़ा पिच के बारे में अगर आप बताओ, अभी साउथ अफ्रीका के कोच आए, उन्होंने कहा 320 का विकेट तो नहीं था, मतलब बहुत रन लगे आपके उस हिसाब से, तो थोड़ा विकेट कैसा बिहेव किया फर्स्ट हाफ में, फिर सेकंड हाफ जब आपने बॉल डाला पंजा लिया, तो थोड़ा विकेट के बारे में आप बताओ कैसा था? आई थिंक जब उन लोग बॉलिंग डाल रहे तो ज़्यादा हेल्प था, मेरे ख्याल से टर्न ज़्यादा था और विकेट का बाउंस भी इतना नहीं था, बट अभी अगर मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन अगर आप बोलोगे तो जो दोपहर में विकेट चल रहा था और अभी चल रहा था वो अभी थोड़ा इजी हो गया था, इजी नहीं कहूँगा बट ठीक था, बट दोपहर में तो टर्न भी था और स्लो भी था तो बैट्समैन मार ही नहीं सकते, बट क्रेडिट विराट और जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने उन लोग के स्पिनर्स को हैंडल किया वो बहुत ही अच्छा था, और हमें आइडिया है कि कलकत्ता जब भी आते हैं तो थोड़ा बाउंस कम रहता है और स्पिन भी रहता ही है, तो मे बी वो एक एडवांटेज था कि हम लोग को पता था कि स्पिन होगा और विकेट स्लो ही खेलेगा, तो वो मेंटली प्रिपरेशन दिमाग में वो लेके खेल रहे थे। जडू लास्ट 2-3 मैच से हम जैसे देख रहे हैं न्यू बॉल से जैसे हमारा शुरुआत हो रहा है, दे आर टेकिंग विकेट्स विद द न्यू बॉल, तो एज ए स्पिनर जब अब उसके बाद आते हैं तो कितना आसान होता है आपके और कुलदीप के लिए, तो थोड़ा सा इस बारे में ज़्यादा? देखिए हमेशा ही कोई भी फॉर्मेट आप खेल रहे हो कि जब आपके फास्ट बॉलर ऊपर से 2 या 3 विकेट लेते हैं तो स्पिनर के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्लो विकेटों पर आने वाला बैट्समैन सीधा ही या बड़े शॉट नहीं खेल सकता, उसको टाइम चाहिए, और स्पिनर और कॉन्फिडेंस से बॉल डाल सकता है कि जहां उसे बॉल डालना है, जो स्पीड से डालना है, जो वेरिएशन करना है वो कर सकता है, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि हमारे तीनों फास्ट बॉलर हर एक मैच में हमें दो तीन विकेट लेके दे रहे, बल्कि कभी कभार ज़्यादा भी दे रहे, तो अच्छा है, और होपफुली बस ये आने वाले नॉकआउट स्टेज में ऐसा ही परफॉर्मेंस टीम अगर हमारा ऐसे खेलेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। हाय जलसा, तो अभी तक जैसे टूर्नामेंट में हम खेलते आ रहे हैं, पिछला मैच 300 रन से जीता, अभी आज फिर वन साइडेड, जो 8 के 8 मैच जीते हैं लगभग हमने वन साइडेड जीते हैं, और सबसे टफ जो चुनौती माना जा रहा था वो इसी मैच को माना जा रहा था, लेकिन वो भी साबित नहीं हुई, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नॉकआउट में जाने से पहले एक और टफ टेस्ट इंडिया के लिए ज़रूरी था? और दूसरा ये कि क्या आप लोग आज वो बर्थडे की वजह से एक्स्ट्रा मोटिवेटेड थे फील्ड पर? नहीं नहीं, बर्थडे और इंडिया के लिए खेलने से कोई कुछ भी चीज़ रिलेटेड नहीं है, जब भी इंडिया जर्सी में हम खेलते हैं तो हर एक दिन बर्थडे ही होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इंडियन जर्सी पहनने के लिए, तो बहुत ही बड़ी बात होती है, बट नहीं अगर बर्थडे के दिन अच्छा परफॉर्मेंस किया और टीम जीती हो तो और वो डबल स्पेशल हो जाता है। और जैसे आपने पूछा कि कोई टफ मैच क्यों नहीं बना, तो अच्छी बात है कि टफ मैच बनना भी नहीं चाहिए, सामने वाली टीम अगर खेलने आए तो उनको लगना चाहिए कि वो और प्रेशर में और पैनिक कर जाए, कि उनका जो प्रिपरेशन है कि भाई ये इंडिया के सामने खेलने जाएंगे तो उनकी टीम बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, तो यही होना चाहिए, और मैं कहूँगा कि ये वाला जो अभी स्टेज आएगा वो तो और इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम वन साइड मैचेस जीत रहे हैं तो सामने वाली टीम के ऊपर और दबाव बना रहेगा।